हेलो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट कॉसिज इंटीग्रल थ्योरम। नाउ टुडे वी स्टार्ट कॉसिज इंटीग्रल फॉर्मूला। इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन क्लोज कर्व सी एंड इफ ए इज एनी पॉइंट इनसाइड सी देन एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2πi इंटू इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड और इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2πi इंटू एफ ऑफ ए। यहाँ पे एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। एनालिटिक मीन्स डिफ्रेंशिएबल एवरीवेयर होना चाहिए, कंटिन्यूस एवरीवेयर होना चाहिए। एंड ए इज एनी पॉइंट इनसाइड क्लोज कर्व, जो सी दिया है उसमें ए पॉइंट होना चाहिए। सो वी कैन से दैट इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2πi इंटू एफ ऑफ ए। नाउ एग्जाम्पल, इवेल्यूएट इंटीग्रेशन ओवर सी जेड अपॉन जेड माइनस टू डी जेड वेयर सी इज सर्कल मॉड जेड माइनस टू इक्वल टू 3/2। सो योर सी इज अ सर्कल, फर्स्ट फाइंड आउट द सर्कल विथ सेंटर एंड रेडियस। सो यहाँ पे जो सर्कल है उसका सेंटर फाइंड करने के इजी तरीका मैं बताता हूँ आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मॉड्यूलस जेड माइनस टू इक्वल टू 3/2 है, जो 3/2 है उसकी रेडियस हो गई। हमें सेंटर फाइंड करना है तो सबसे पहले मॉड्यूलस हटा देना है, तो जेड माइनस टू इक्वल टू 0 लिख दो डायरेक्टली पहले। फिर जो रियल पार्ट है राइट साइड ले लो, जेड इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर लो तो जेड इक्वल टू 2 रहेगा। 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो जेड इक्वल टू 2+0 × i लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे 0 पार्ट है ही नहीं। सो कंपेयर करने जाए हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो x की वैल्यू 2 मिल रही है और y की वैल्यू 0 मिल रही है यहाँ पे। तो सेंटर क्या हुआ, 2,0। सो सेंटर इज 2,0 एंड रेडियस इज 3/2। सो यहाँ पे जो सर्कल है मॉड जेड माइनस टू इक्वल टू 3/2 इज सेंटर इज 2,0 एंड रेडियस इज 3/2। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ए और इसके साथ कंपेयर करो। सो हमें एफ ऑफ जेड की वैल्यू जेड में लिखी, हमें पता है जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर, बट डिनोमीटर में जो पार्ट है जेड माइनस टू, अगर मैं जेड की जगह 2 रख दूँ तो आंसर क्या होगा, 0। इट मीन्स जो फंक्शन होगा वो अनडिफाइन होगा। डिनोमीटर पार्ट जब भी 0 हो रहा है तो बोल फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। अदरवाइज ए इक्वेशन के साथ कि आप कंपेयर करने जाओ तो एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस है और यहाँ पे जेड माइनस टू है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 2। दूसरी तरीके से मैं बताने जाऊँ तो जेड माइनस टू इक्वल टू 0 लिखो, जो डिनोमीटर में गिवन है वो। सो जेड इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो आपका ये पॉइंट हो गया ए। अब हमें चेक करना है एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या है और ए की वैल्यू क्या है, सर्कल के इनसाइड है आउटसाइड है। सो फर्स्ट चेक आउट एंड ड्रॉ द सर्कल। सो यहाँ पे पहले देख दे तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सी जेड अपॉन जेड माइनस टू डी जेड जो गिवन है वो ऑलरेडी लिखा हमने, और जो यहाँ पे सर्कल दिया है वो लिखेंगे सर्कल मॉड जेड माइनस टू इक्वल टू 3/2 विद द सेंटर एट 2,0 एंड रेडियस इज 3/2। नाउ सेकंड केस, जो ए पॉइंट हमने फाइंड किया तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 2 हमें क्या वैल्यू मिली, जेड इक्वल टू 2। अगर डिनोमीटर में जेड की जगह 2 रख रहे हैं तो फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। और हमारे पास जो मॉड्यूलस है जो सर्कल गिवन है उसमें हम जेड माइनस टू इक्वल टू जेड की जगह 2 रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0। 0 मीन्स 3/2 से कम है, मीन्स लेस देन 3/2। तो आप देखने जाओ तो वो पॉइंट क्या होगा, सर्कल के इनसाइड होगा। अगर हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ फिगर है, वहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, 2,0 सेंटर है, 3/2 मीन्स 1.5 जो होगा, 3/2 लेने जाओ आप
तो 1.5 रेडियस का सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया। तो आपको चेक करना है जेड इक्वल टू सर्कल की इनसाइड आएगा या आउटसाइड। दूसरा तरीका आप ग्राफिक से भी बता सकते हो, इज जेड इक्वल टू टू इज इनसाइड ऑन सी, अदरवाइज यहाँ पे आप मॉड्यूलस में जेड की जगह टू रखो, आंसर चेक करो जीरो आ रहा है, वो क्या है रेडियस से कम है, तो इट मीन्स मॉड्यूल जेड में जो टू आ रहा है वो इनसाइड सी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड हमारा क्या है, जेड है, सो एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड ऑन सी, वो लिख देना है क्योंकि पॉलीनोमियल है। सो बाय कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू टू पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। यहाँ पे सभी वैल्यू लिखेंगे, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड लिखेंगे और ए की वैल्यू हमें टू मिली, सो जेड अपॉन जेड माइनस टू डी जेड इक्वल टू टू पाई आई एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, तो जेड में ए की वैल्यू रखना है, तो जेड ब्रैकेट के बाहर जेड इक्वल टू जो पॉइंट है हमारा क्या था टू, तो वो रख देंगे हम, सो टू पाई आई इंटू जेड की जगह टू, तो टू सो फोर पाई आई, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर थ्री, इवेल्यूएट इंटीग्रेशन ओवर सी ई रेस टू जेड अपॉन जेड माइनस वन डी जेड इफ सी इज मॉड जेड इक्वल टू टू। सबसे पहले हमें सर्कल देखना है, कौन सा सर्कल है, मॉड जेड इक्वल टू टू इट मीन्स सेंटर एट ओरिजिन मीन्स जीरो जीरो सेंटर है, और रेडियस क्या होगी टू होगी, वो पहले फाइंड कर लिया हमने। फिर चेक करना है कौन से पॉइंट में फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे डिनोमीटर में चेक करो, जेड की रिप्लेस में अब वन रखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा जीरो डिनोमीटर पार्ट। तो हम बोल सकते हैं कि जेड इक्वल टू वन इज पॉइंट, अदरवाइज ए इक्वल टू वन बोल सकते हो आप, ठीक है, ए की वैल्यू जो हमने निकाली वो जेड इक्वल टू वन ले सकते हैं या ए इक्वल टू वन बोल सकते हैं हम। अदरवाइज आप दूसरे इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के साथ कंपेयर करने जाओ आप, तो जेड माइनस ए यहाँ पे जेड माइनस वन, सो ए की वैल्यू होगी वन, ठीक है। अब पूरा स्टेप लिख देते, पहला स्टेप तो जो इंटीग्रेशन गिवन है वो ऑलरेडी लिख दिया है, इंटीग्रेशन ओवर सी ई रेस टू जेड अपॉन जेड माइनस वन डी जेड। सेकंड पार्ट है जो सर्कल गिवन है वो लिखना है, सी इज अ सर्कल मॉड जेड इक्वल टू टू विथ द सेंटर जीरो एंड रेडियस इज टू। यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, सेंटर ओरिजिन लिया, वन रेडियस वन का सर्कल ड्रॉ किया है, फिर यहाँ पे हमें जेड की वैल्यू वन मिली, सो जेड इक्वल टू वन, मॉड्यूलस जेड है उसमें जेड इक्वल टू वन लिखे तो वन मिलेगा, वो लेस देन टू है, इट मीन्स वो सर्कल में इनसाइड है, तो हम बोल सकते हैं जेड इक्वल टू वन लाइज इनसाइड। यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हो जेड इक्वल टू वन जो पॉइंट है वो सर्कल के इनसाइड है, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जेड इक्वल टू वन इज लाइज इनसाइड सी। एफ ऑफ जेड की बात करें तो आप कंपेयर करने जाओ इक्वेशन के साथ, इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, सो एफ ऑफ जेड की वैल्यू होगी ई रेस टू जेड और ए की वैल्यू होगी वन, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई रेस टू जेड, सो एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड ऑन सी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल इज एनालिटिक एवरीवेयर, सो बाय कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इक्वल टू टू पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। सभी वैल्यू रखेंगे हम, एफ ऑफ जेड की जगह ई रेस टू जेड लिखा, ए की जगह यहाँ पे वन लिखा हमने, सो इक्वल टू टू पाई आई एफ ऑफ जेड है और उसमें ए की जगह में वन लिखना है, सो ई रेस टू जेड ब्रैकेट के बाहर जेड इक्वल टू वन रख देंगे तो ए की वैल्यू हो गई हमारी, सो टू पाई आई ई रेस टू जेड मीन्स जेड की जगह वन, सो ई सो टू पाई आई इंटू ई, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। एग्जाम्पल नंबर फोर देखने जाए हम तो सिमिलर उसके जैसा ही है, मॉड जेड इक्वल टू टू है, सो सर्कल होगा सेंटर जीरो और रेडियस टू होगी, यहाँ पे एफ ऑफ जेड की वैल्यू होगी कॉस पाई आई जेड एंड जो डिनोमीटर में जेड माइनस वन आगे जैसा ही जेड इक्वल टू वन ही है, तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो, आप ट्राई कर लेना। एग्जांपल नंबर फाइव की बात करें हम, सो यहाँ पे एग्जांपल नंबर फाइव में इंटीग्रेशन ओवर सी जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस फोर अपॉन जेड प्लस आई डी जेड वेयर सी इज मॉड जेड इक्वल टू टू।
तो यहाँ पे सेम सर्कल है, मॉड्यूलस जेड इक्वल टू मीन्स सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस इज टू, तो यहाँ पे सर्कल दिया है। यहाँ पे एफ ऑफ जेड की जो बात करें तो जेड स्क्वेयर माइनस फोर जेड प्लस फोर है, वो पोलिनोमियल है तो एनालिटिक एवरीवेयर होगा। डिनोमीटर में बात करें जेड प्लस वन है, जेड प्लस वन आई है सॉरी, तो आई को जेड माइनस ए के साथ कंपेयर करेंगे हम, तो ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस आई। अदरवाइज दूसरी फॉर्मूला से देखें तो जेड प्लस आई है उसको जीरो बनाना है, तो क्या करेंगे हम, जेड प्लस आई इक्वल टू जीरो लेंगे, सो जेड इक्वल टू माइनस आई, जो ए की वैल्यू थी माइनस आई वो सेम यहाँ पे मिली। तो एफ ऑफ जेड भी हमारे पास है, ए भी पॉइंट मिल गया। चेक करते जेड इक्वल टू माइनस आई, हमें रिप्रेजेंट करना है ये सर्कल है हमारा, ए एक्स एक्सिस है और इमेजिनरी एक्सिस है। अगर जेड इक्वल टू माइनस आई इट मीन्स वाई एक्सिस पे माइनस वन कहाँ पे वो चेक करना है, तो ये जो माइनस वन पॉइंट होगा वो आपका होगा जेड इक्वल टू माइनस आई, तो ऑलरेडी सर्कल के इनसाइड आ गया पॉइंट, तो हम बोल सकते हैं जेड इक्वल टू माइनस आई लाइज इनसाइड सी, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस फोर, देयर फॉर एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सी, सो बाय कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू टू पाई आई इंटू एफ ऑफ ए की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली थी माइनस आई, इट मीन्स जेड इक्वल टू माइनस आई था। फॉर्मूला में सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस फोर अपॉन जेड प्लस आई डी जेड, सो टू पाई आई एफ ऑफ जेड हमारा था जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस फोर वो लिखेंगे और ब्रैकेट के आउटसाइड नीचे लिखेंगे जेड इक्वल टू माइनस वाई, तो जेड की जगह माइनस आई रखेंगे हम, जेड की जगह माइनस आई रखेंगे तो टू पाई आई जेड स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर आई प्लस फोर, वी नोट डेट आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, सो माइनस वन प्लस फोर मीन्स थ्री प्लस फोर आई एज इट इज, आई मल्टीप्लाई करेंगे तो टू पाई थ्री आई माइनस फोर, क्योंकि आई इंटू आई आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन। एग्जाम्पल नंबर सिक्स की बात करें हम तो इवेल्यूएट इंटीग्रेशन ओवर सी कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू, दो फैक्टर है यहाँ पे जेड माइनस वन और जेड माइनस टू, वेयर सी इज अ मॉड जेड इक्वल टू थ्री बाई टू, जो सी है वो सर्कल है सेंटर ओरिजिन और रेडियस है थ्री बाई टू, थ्री बाई टू मीन्स 1.5 रेडियस का सर्कल आपको ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ किया है। सबसे पहले हम एफ ऑफ जेड लेते हैं, तो एफ ऑफ जेड हमारे पास देखने जाओ तो कॉस पाई जेड स्क्वायर रहेगा, लेकिन यहाँ पे डिनोमीटर में दो पॉइंट है, एक होगा जेड माइनस वन और एक दूसरा होगा जेड माइनस टू से मिलेगा, तो दो पॉइंट कैसे निकालेंगे, जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो लेंगे तो जेड इक्वल टू वन मिलेगा हमें, यहाँ पे जेड इक्वल टू वन होगा इस केस में, और एक केस में देखने जाओ तो जेड इक्वल टू टू, तो दो पॉइंट। अब ये दो पॉइंट को हमें चेक करना है सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड, सो जेड इक्वल टू वन ऑब्वियस हम बोल सकते हैं थ्री बाई टू रेडियस है तो जेड इक्वल टू वन सर्कल के इनसाइड ही है और जेड इक्वल टू सर्कल के आउटसाइड है। दूसरी मेथड से देखने जाए हम तो यहाँ पे जेड इक्वल टू वन है, ये मॉड्यूलस जेड है तो मॉड्यूलस जेड लिखेंगे, जेड की जगह वन रखेंगे तो मॉड्यूलस वन, मॉड्यूलस वन इक्वल टू वन, वन इज लेस देन थ्री बाई टू, लेस देन थ्री बाई टू इट मीन सर्कल के इनसाइड हो गया, सो वी कैन से जेड इक्वल टू वन लाइज इनसाइड सी। सेकंड जेड इक्वल टू के लिए चेक करें तो मॉड जेड है तो मॉड जेड इक्वल टू जेड की जगह टू रखेंगे, लेकिन मॉड जेड टू है, टू इज ग्रेटर देन थ्री बाई टू इट मीन्स 1.5 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा सर्कल के आउटसाइड हो गया, तो जेड इक्वल टू टू लाइज आउटसाइड सी। अगर जो पॉइंट सर्कल के आउटसाइड चला जाता है उसको हम फंक्शन के साथ कंसीडर करेंगे साथ में लेंगे, तो यहाँ पे हमारे जो पास पहले फंक्शन हम कॉस पाई जेड स्क्वायर था उसकी जगह कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस टू लेंगे, और जो इनसाइड वाला पार्ट है वो कौन से पॉइंट से मिल रहा है हमें, वन जेड माइनस वन से, सो एफ ऑफ जेड इक्वल टू कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस टू, वो फंक्शन हो गया आपका, कॉस पाई जेड स्क्वायर एनालिटिक एवरीवेयर है, जेड माइनस टू एनालिटिक है बट सर्कल के इनसाइड एनालिटिक नहीं है, आउटसाइड तो हमें इनसाइड वाला ही पोर्शन चाहिए, इसलिए हमने क्या किया एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड ऑन सी।
अब हम ये जो फॉर्मूला थी उसको रीअरेंज करने जाए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर सी कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू, तो जेड माइनस टू को अपर की साइड ले जाए तो इंटीग्रेशन ओवर सी कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस टू अपॉन जेड माइनस वन इंटू डी जेड। सो कॉस इंटीग्रल फार्मूला के साथ हम कंपेयर कर सकते थे। सो बाय कॉस इंटीग्रल फार्मूला इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू पाई आई इंटू एफ ऑफ ए, सभी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे सो वी गेट इंटीग्रेशन ओवर सी कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस टू अपॉन जेड माइनस वन डी जेड इक्वल टू टू पाई आई इंटू, जो फंक्शन था हमारा कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस टू उसमें जेड की जगह हम वन रखेंगे क्योंकि जो जेड इक्वल टू वन है लाइज इन साइड है, ए की वैल्यू जो है हमारी वन होगी वहाँ पे। सो अगर उसको रीअरेंज करके लिखे तो ये फॉर्म लिख सकते हैं सो कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू डी जेड इक्वल टू टू पाई आई, जेड की जगह वन सो कॉस पाई अपॉन वन माइनस टू कॉस पाई आई इंटू कॉस पाई जो है हमारा वो क्या वैल्यू देगा माइनस वन, कॉस में ऑड नंबर है वहाँ पे माइनस आएगा, कॉस में इवन नंबर है तो प्लस आएगा सो कॉस माइन पाई इक्वल टू माइनस वन, डिनोमेटर में वन माइनस टू है तो वहाँ पे माइनस वन माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे वन होगा तो टू पाई आई इंटू वन, सो फाइनल आंसर हुआ टू पाई आई। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर सेवन आप होमवर्क में ट्राई करना, जेड स्क्वायर माइनस सेवन जेड प्लस ट्वेल्व है उसका आपको फैक्टर में कन्वर्टेशन करना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ट्वेल्व है, ट्वेल्व के दो पार्ट करने हैं कि जिसका एडिशन माइनस सेवन आए। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ तो क्या होगा ट्वेल्व, ट्वेल्व के दो पार्टसन क्या होगे सिक्स इंटू टू हो सकता है और दूसरा ट्वेल्व में थ्री इंटू फोर हो सकता है। अब चेक करो कौन से दो नंबर का एडिशन माइनस सेवन हो सकता है, तो थ्री और फोर, तो माइनस थ्री और माइनस फोर करने जाए हम तो हमें आंसर मिलेगा माइनस सेवन। तो हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर मिलेंगे हमें, एक जेड माइनस थ्री होगा और दूसरा होगा जेड माइनस फोर। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस सेवन जेड प्लस ट्वेल्व की जगह आप लिख सकते हो जेड माइनस थ्री इंटू जेड माइनस फोर। बाकी का एग्जाम्पल आगे वाले जो एग्जाम्पल हमने सोल्व किए उसी टाइप पे आप ट्राई करना। ओके आई होप सभी एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।